आज हम क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, देखिए बेटा इसमें फर्स्ट आर्टिकल है। If both roots are, if both roots are, both roots are positive, बेटा एक क्वाड्रेटिक है और इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं। देखिए फर्स्ट आर्टिकल इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बेटा एक क्वाड्रेटिक है और इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं। तो ध्यान दीजिए मैं यहां पर आपको क्वाड्रेटिक का जो डायग्राम बनाया था मैंने, पैराबोलिक दो टाइप के ग्राफ थे, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। यहां ए पॉजिटिव है बेटा और यहां ए नेगेटिव है। ओके, इफ ए पॉजिटिव देन ग्राफ कॉनकेव अप, इफ ए नेगेटिव देन ग्राफ कॉनकेव डाउन। अब मैंने बोला कि दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसकी जो पोजिशन होगी वो ऐसी होगी। आप देखिए दोनों रूट यहां पर, ये सपोज अल्फा है और ये बीटा है और ये ओरिजिन है, तो दोनों रूट पॉजिटिव है। देखें आप जीरो से इस तरफ है, राइट साइड है, ठीक है। अल्फा ग्रेटर देन जीरो है और बीटा ग्रेटर देन जीरो है, या तो ये पोजीशन बनेगी इसकी। ऐसा भी बन सकता है कि दोनों रूट पॉजिटिव है तो अनइक्वल इक्वल दोनों हो सकते हैं, यहां रूट्स अनइक्वल है और यहां पर रूट्स इक्वल है, यही अल्फा है और यही बीटा है, अभी भी दोनों पॉजिटिव है। देखें हम, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं ए पॉजिटिव ले रहा हूं, अभी ए पॉजिटिव होगा तो ये सारे केसेस होंगे, फर्स्ट ए और सेकंड। और यदि ए नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउन। ओके, अब आप देखिए ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप होगा, ए पॉजिटिव है ग्राफ कॉनकेव अप होगा, और कंडीशन मैंने लगाई कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों जीरो से बड़े हैं। यहां पर आप देखें अल्फा बीटा दोनों जीरो से बड़े हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जीरो पर हम यदि देखें तो क्वाड्रेटिक कैसी है बेटा, जीरो के ऊपर है। देखो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो एक्स के अबव है, तो यदि हम बात करें जीरो पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू, तो एफ जीरो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। एफ मतलब क्या, फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि जीरो पर वो पॉजिटिव है, देखिए जीरो पर यहां भी पॉजिटिव है और जीरो पर यहां भी पॉजिटिव है, तो एफ जीरो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू जीरो पर कैसी होगी, पॉजिटिव। ये आ गया पहला केस। आप दूसरा केस देखिए, इसमें रूट्स कैसे है बेटा, रियल एंड अनइक्वल, और यहां रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल, तो यहां डी कैसा होगा, पॉजिटिव, और वहां पर डी कैसा होगा, जीरो, तो फाइनली डी ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो। ये सेकंड केस। थर्ड केस देखें, आप बताइए, कल ही मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये जो होता है सबसे कम क्वाड्रेटिक यहां पर होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और इस पॉइंट के क्वाड्रेट्स मैंने दिए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए थे बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एकदम सेंटर पे कौन है, माइनस बी बाय टू ए, ये एक्स है बेटा और ये वाई है, तो यहां एकदम सेंटर पे माइनस बी बाय टू ए और ये जीरो है, तो इनमें से कौन बड़ा होगा बेटा, माइनस बी बाय टू ए,
तो थर्ड केस जो होगा हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो। यहां भी आप देखें यही अल्फा है और यही बीटा है और यही माइनस बी बाय टू ए है। अभी भी देखो माइनस बी बाय टू ए जो है वो जीरो से उस तरफ है, राइट साइड है, तो माइनस बी बाय टू ए बड़ा होगा। तो फाइनली कितने कंडीशन है बेटा, टोटल तीन कंडीशन। तो जब भी मैं आपसे बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव है तो इनको बोलते हैं सफिशियंट कंडीशन। ये सफिशियंट कंडीशन है, आपको ये अप्लाई करना होगा। दोनों रूट पॉजिटिव है तो आपको ये बताना होगा सामने वालों को कि भाई ये होगा, ये सफिशियंट कंडीशन है। ओके, आप अच्छे से नोट कर लें इसको, इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट। अच्छा, यहां पर रूट्स की जो लोकेशन है वो जीरो से कहां है, राइट साइड, ऐसा उसने बोला है। उसने बोला है कि इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये कंडीशन मैंने लगाई है बेटा, दोनों रूट पॉजिटिव है, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो आप ये लगाएंगे। ओके, तीनों कंडीशन को अप्लाई करना होगा एक साथ और लास्ट में इन तीनों का क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन, फाइनल आंसर। ये है फर्स्ट कंडीशन, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव देन, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ ये लिया मैंने। अच्छा, मैंने अभी अपवर्ड लिया, यदि आप डाउनवर्ड लेंगे तो भी आप सेम केस होंगे, बस एफ जीरो कैसा हो जाएगा बेटा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम डाउनवर्ड की बात करें तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, उसने बोला कि दोनों पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि अल्फा यहां होगा बीटा यहां होगा, अभी भी देखें जीरो यहां है। अच्छा, हम दोनों रूट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिन से, जीरो से, क्योंकि उसने बोला कि दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो दोनों जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं मतलब लाइक ये इस तरीके से। अच्छा, आप देखिए जीरो पर ये क्वाड्रेटिक कैसी है, जीरो पर क्वाड्रेटिक कैसी है, वहां पर नेगेटिव है, तो इस केस में एफ जीरो कैसा हो जाएगा बेटा, एफ जीरो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये सफिशियंट कंडीशन लिख रहा हूं बेटा। और यहां पर डी, अच्छा यहां टच भी कर सकता है, उसने बोला है कि दोनों रूट पॉजिटिव है तो कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड टच एट अ सिंगल पॉइंट, तो अभी भी देखो एफ जीरो नेगेटिव है। अच्छा, बीचों बीच क्या होता है, सेंटर पे एकदम माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए अभी भी बड़ा है किससे, जीरो से। अच्छा, कट में डी कैसा होता है, पॉजिटिव, टच में डी कैसा होता है, जीरो, तो डी ग्रेटर देन एन इक्वल जीरो। बेटा ये कब लगाएंगे आप, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, ये ए लेस देन जीरो की कहानी है और ये ए ग्रेटर देन जीरो की कहानी है। तो बेटा अभी पहला केस चल रहा था, देखो मैंने यहां पर दोनों के बारे में बताया, पॉजिटिव होगा तो क्या करना है, नेगेटिव होगा तो क्या करना है। अच्छा, आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो एंड डी, डी कॉमन है बेटा, डी तो आपको लेना ही है, और माइनस बी बाय टू ए एकदम सेंटर पे कौन है, माइनस बी बाय टू ए। ओके, तो ये बड़ा और ये छोटा, तो माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन जीरो बेटा, ये है लोकेशन।